गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो रहा है? सिंपली जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना हो, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इनडिपेंडेंट हो, सो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो आर दैट मीन्स रिएक्टेंट, सो रिएक्टेंट से क्या बनेगा? रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट। टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। सो अगर हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन में, सो इंस्टेंटेनियस रेट में ऐसा लिखा जाएगा कि रेट इक्वल टू माइनस साइन डी आर बाय डीटी, क्योंकि रिएक्टेंट जो होंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होगा, इसलिए नेगेटिव साइन। इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, यहां पर जीरो ऑर्डर के लिए आर पावर में क्या लगाएंगे? जीरो। तो यहां पर माइनस डी आर अपॉन डी, सो पावर किसी भी वैल्यू, कोई फिजिकल क्वांटिटी इसका पावर जीरो, इसका मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा किसी भी। तो आर का पावर अगर जीरो है, मतलब पूरा वैल्यू का वैल्यू वन हो गया, दैट मीन्स यहां पर क्या बचा? ओनली के। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस ऑफ, अगर हम इस डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, तो आ जाएगा डी आर इक्वल टू माइनस के डी। इसको अपन क्या ले लेंगे? इक्वेशन नंबर वन। अब इस इक्वेशन को करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो क्या लिखेंगे? बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। सो जब अबव इक्वेशन को हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर दे, सो यहां इंटीग्रेशन का साइन है डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के डी टी। सो यहां पर क्या होगा? इंटीग्रेशन से ये हो जाएगा यहां पर आर के कांस्टेंट है, तो माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? टी प्लस यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लगा देंगे? सी। सी क्या है यहां पर? सी जो है यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ओके, सो इक्वेशन नंबर कितना आ गया? ओके, अगर हम ऐसा कंसिडर करें, सो यहां पर हम क्या करते हैं? इफ टी इक्वल टू जीरो, तो इनिशियल में टाइम अगर जीरो है, देन उस कंडीशन में जो रिएक्टेंट होगा वो पूरा रहेगा, तो पूरे रिएक्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर नॉट से। मतलब जब टाइम जीरो होगा उस कंडीशन में जो आर का वैल्यू होगा वो पूरा का पूरा होगा, क्योंकि टाइम अगर जीरो है मतलब रिएक्टेंट पूरा रहे वो कंसंट्रेशन। सो इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल में जो कंसंट्रेशन रहा होगा रिएक्टेंट का, उसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस वैल्यू को हम इक्वेशन पुट कर दे इक्वेशन नंबर टू में, सो यहां पर आ जाएगा आर नॉट। अच्छा, अगर टी का वैल्यू जीरो रख दो तो ये वाला वैल्यू क्या बचेगा? पूरा जीरो। क्या बचे वाली? सी। सो ये सी आगे इक्वेशन नंबर थर्ड। सो यहां पर जैसे टी का वैल्यू यहां जीरो कर दिया, ये वाला टर्म पूरा जीरो, आर की जगह क्या रखे मैंने? आर नॉट। सो यहां पर सी का वैल्यू आके क्या निकल के आया? आर नॉट। सो अगर इस वैल्यू को हम पुट कर दे इक्वेशन नंबर टू में, दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, सो अगर हम यहां पर करें फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, सो इससे मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा? ये हो जाएगा आर इक्वल टू माइनस के थ्री, देन हो जाएगा आपका प्लस आर नॉट। यहां पर जहां पर सी है, सी के जगह पर क्या रख दिया? सी के जगह पर ये वैल्यू रखा गया है। ओके, सो यहां पर अगर मैं इस वाले वैल्यू को माइनस के टी को इस साइड ट्रांसफर करो, आर को इस साइड में, सो यहां पर माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, के टी इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट माइनस आर। ओके, सो मुझे के निकालना है, तो के के लिए मैं टी को क्या करता हूं? ट्रांसफर। सो के इक्वल टू हो गया आर नॉट माइनस आर अपॉन टी।
ओके सो ये आ गया जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला। अब मुझे अगर इसमें इसके बाद क्या हुआ हाफ लाइफ निकालने बोले, क्या निकालने बोले हाफ लाइफ, सो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो अगर मुझे यहां से हाफ लाइफ निकालना है, हम इसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा kT इक्वल टू ये हो जाएगा आर नॉट माइनस, इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ में जितना रिएक्टेंट होगा वो हाफ कंप्लीट हो जाएगा प्रोडक्ट में। सो अगर मुझे हाफ लाइफ निकालना हो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे हाफ लाइफ में, सो हमें लेना है जब टी का वैल्यू 1/2 लेना है, उसी कंडीशन में क्या होगा जो हमारा आर होगा, आर की जगह पर मुझे लिखना होगा आर नॉट बाय टू। दैट मीन्स जब टी हाफ होगा तो जो रिएक्टेंट होगा इनिशियल का वो उसको भी क्या करना होगा हमें हाफ करना होगा, क्योंकि हाफ रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ऐसा है। सो अगर इस वैल्यू को पुट कर दो यहां पर, सो आ जाएगा यहां पर के टी 1/2 इक्वल टू आर नॉट माइनस, आर के जगह पर क्या लिखना है मुझे ये लिखना है आर नॉट बाय। यहां कुछ नहीं तो वन है, अगर इसको एलसीएम ले लू तो आ जाएगा टू टाइम आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन टू, यहां पर क्या है एलसीएम मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है सो क्रॉस मल्टीप्लाई और यहां पर दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। सो यहां पर एलसीएम कॉन्सेप्ट से ये क्रॉस मल्टीप्लाई टू टाइम आर नॉट, ये हो गया आर नॉट अपॉन टू, टू टाइम आर नॉट से वन टाइम आर नॉट क्या दैट मीन्स ऑनली क्या बच गया आर नॉट अपॉन टू। सो यहां पर मुझे क्या निकालना है हाफ लाइफ दैट मीन्स टी 1/2, सो के को मैं क्या कर दू ट्रांसफर, तो जीरो ऑर्डर के लिए हो गया मेरा हाफ लाइफ।